चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं में हिंदी, और आज हम पढ़ेंगे हिंदी में व्याकरण, और व्याकरण में पढ़ेंगे वाच्य। हम पढ़ेंगे बच्चों वाच्य क्या होता है, इसकी परिभाषा, अर्थ और इसके विभिन्न भेद कौन कौन से हैं, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाच्य क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह बोध होता है कि क्रिया द्वारा किए गए कार्य या विधान का मुख्य बिंदु कौन है और उसका कर्ता कौन है और वह किस उद्देश्य से किया जा रहा है, उसको करने का कर्म क्या है, उसे वाच्य कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात होता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का मुख्य बिंदु और विषयकर्ता या कर्म क्या है, उसे वाच्य कहते हैं। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता है, उसे वाक्य कहते हैं। फिर और इसको हम समझने के लिए दूसरे शब्दों में कि जिस क्रिया के द्वारा हमें यह पता चलता है कि जिस क्रिया के द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य क्रिया को मुख्य या मूल रूप से चलाने वाला कौन है, अर्थात कर्ता भाव या अन्य घटक है, उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों तीन होते हैं, कर्ता क्रिया कर्म। तो वाच्य क्या है कि जिस क्रिया के द्वारा हमें यह पता चलता है कि वह वाक्य क्रिया को मुख्य या मूल रूप से चलाने वाला कौन है, अर्थात कर्म कर्ता भाव कौन है, उसे हम वाच्य कहते हैं। उदाहरण जैसे रंजन पुस्तक बेच रहा था, रंजन पुस्तक बेच रहा था, इस वाक्य में बेच रहा था क्या हो गई, क्रिया हो गई कि वह बेचने का काम कर रहा था, क्रिया हो गई, और रंजन के बारे में बता रहा था, रंजन क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि बेचने का काम कौन कर रहा है, पुस्तक रंजन में किताब बेचने का कार्य कर रहा है, तो कर्ता हो गया रंजन और क्रिया हो गई बेचने की, और क्रियापद उसी के बारे में कुछ विधान कर रहा है, अतः पूरा वाक्य कृतवाच्य है। फिर है दूसरा, पुस्तक बेची जा रही थी, उदाहरण वह पुस्तक बिक रही थी, हमने यहाँ नहीं बैठा जाता, और वाक्य दूसरा में बेची जा रही थी, क्रियापद का उद्देश्य बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताना नहीं बल्कि पुस्तक के बारे में बताना है, और पुस्तक यहाँ पर पुस्तक क्या है, कर्म है, क्या हो गई यहाँ पर पुस्तक, ये कर्म है। इसलिए संपूर्ण वाक्य और इस प्रकार का वाक्य क्या कहलाता है, कर्मवाच्य। फिर वाक्य तीन में बैठा जाता है क्रिया के साथ, कर्म संभव नहीं है और ना ही कर्ता पर बल है, इसलिए इस क्रिया का भाव मुख्य है, इसलिए यह भाव वाचक है। फिर इस प्रकार उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे पता चले कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या अन्य कोई घटक है। फिर से हम इसको रिपीट करेंगे कि इस प्रकार उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या कोई अन्य घटक है। इनमें इन्हीं के अनुसार क्रिया के पुरुष और वचन आदि आए हैं। फिर परिभाषाओं के आधार पर, जो अभी हम परिभाषाएं पढ़ी है, वाक्य में क्रिया के लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार होंगे। अब हम आगे देखते हैं
वाच्य का अर्थ, तो वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। यहाँ वाणी का अर्थ है वक्ता का कहना या वक्ता का कथन। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन, और वाणी का अर्थ है वक्ता की वाणी या वक्ता का कथन। वक्ता का मतलब होता है बच्चों कहने वाला, जो बोल रहा है। अतः वाच्य किसी एक बात को थोड़े से अर्थ के अंतर के साथ, अतः वाच्य को थोड़े से अंतर के साथ कहने का तरीका है। इस तरह कहे गए वाक्यों कथनों की संरचना भिन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, माँ ने खाना बनाया और दूसरा है माँ के द्वारा खाना बनाया। दोनों वाक्यों का अर्थ सामान्य तो लग रहा है, किंतु दोनों के अर्थ में कुछ थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। दोनों की संरचनाएं भी भिन्न है, क्योंकि एक में है कि माँ ने खाना बनाया और दूसरा कि माँ के द्वारा खाना बनाया गया। कर्ता द्वारा माँ के कार्य खाना बनाने को ही प्रधानता दी गई। इसमें किसको दी गई है? माँ के द्वारा खाना बनाने को प्रधानता दी गई है। जबकि दूसरा वाक्य कि माँ के द्वारा खाना बनाया गया, माँ कर्ता के कार्य को नकारने या निरस्त करने का कार्य किया गया, और कार्य को निरस्त करने का अर्थ है। इन सभी कार्यों से क्रिया के मूल रूप की संरचना का पता चलता है, जो कौन करता है, क्रिया क्या है, भाव कौन सा है, वही वाच्य कहलाता है। हम ये कुछ उदाहरण से देखेंगे। पहला है उदाहरण कि मजदूर ने पेड़ काटा। मजदूर ने पेड़ काटा, इसी को हम दूसरे में कि मजदूर के द्वारा या मजदूर से पेड़ काटा गया, और तीसरा क्या भाव निकला कि पेड़ काटा गया। कैसे भी काटा, मजदूर ने काटा, मजदूर के द्वारा काटा, कैसे भी काटा, पर पेड़ काटा गया। इसी तरह है बच्चों ने चित्र बनाया, बच्चों के द्वारा या बच्चों से चित्र बनवाया गया और चित्र बनाया गया। फिर एक किसान हल चला रहा है, किसान के द्वारा हल चलाया जा रहा है, और आखिरी में क्या भाव निकला कि हल तो चलाया जा रहा है। इसी में हम आगे देखेंगे कि अब देखते हैं वाच्य में क्रिया के तीनों मूल रूपों की संरचना की प्रधानता का होना आवश्यक है। कौन से होते हैं तीन? कर्म, कर्ता और भाव। तीन रूप है वाच्य में। पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म और तीसरा भाव। ये क्रिया के तीन मूल होते हैं। जैसे उदाहरण है, जैसे राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया बच्चों? राम। राम हो गया कर्ता। क्या कर रहा है? क्रिया खेलता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? कर्ता के अनुसार खेलना क्या हो गई? क्रिया। कौन खेल रहा है? राम। तो क्रिया कैसी हो गई? कर्ता के द्वारा। फिर है राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, यह क्रिया हो गई कर्म के अनुसार कि राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इसमें क्रिया हो गई खेलना और कर्म हो गया राम के द्वारा, तो ये हो गया क्रिया कर्म के अनुसार। फिर राम से क्रिकेट खेला जाता है, तो ये हो गई क्रिया भाव के अनुसार कि राम से क्रिकेट खेला जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वाच्य के प्रकार या वाच्य के भेद। तो वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के भेद या प्रकार तीन हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम इसमें पढ़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे इसमें कृतवाच्य की परिभाषा क्या है। तो जिन वाक्यों में वक्ता कर्ता के कार्य की प्रधानता या महत्व देता है वे कृतवाच्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता कर्ता के कार्य की प्रधानता या महत्व देता है कृतवाच्य कहलाते हैं। इसी को हम सरल शब्दों में बोलते हैं कि क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। कृतवाच्य में क्रिया के लिंग वचन आदि का कर्ता के समान होते हैं। उदाहरण है जैसे कि राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल गया, सचिन सो रहा है। फिर है मैंने शरबत पी लिया और राधा पुस्तक पढ़ ली। तो यहाँ पे क्या है कृतवाच्य में, यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है या कर्ता को महत्व दिया जाता है। कैसे, यहाँ पे आ गया कौन है कर्ता, राम दूध पिया, पर किसने पिया, राम ने, तो कर्ता क्या हुआ, राम हुआ। सीता गाती है। और इसी प्रकार के वाक्यों में अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। इनमें भी प्रमुख होता है कर्ता और उसका जो कर्म होता है वह होता है गौण। तो पिताजी आ रहे हैं, उदाहरण के लिए पिताजी आ रहे हैं, यह कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। फिर बच्चा रो रहा है, यह भी अकर्मक क्रिया। माताजी सो रही है, अकर्मक। और गरिमा पुस्तक पढ़ रही है, यह है सकर्मक क्रिया। मैं खाना खाता हूँ, सकर्मक क्रिया, जिसमें कि क्रिया या हम किसी भी कार्य में रत रहते हैं। फिर डाकिया डाक वितरित करता है, यह सकर्मक क्रिया। और निर्मला कंप्यूटर ठीक करती है, यह भी है सकर्मक क्रिया। तो कृतवाक्यों में अकर्मक और सकर्मक वाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। इसमें कर्ता प्रमुख होता है और उसका जो कर्म है, जो वह कार्य कर रहा है, वह क्या होता है, गौण होता है। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम, अभी हमने पढ़ा कृतवाच्य, अब हम आगे देखते हैं कि कर्मवाच्य। वाच्य के तीन प्रकार हमने पहले भी पढ़े थे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी हमने क्या पढ़ा, कृतवाच्य, अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। और इसमें यह कैसे बनता है, कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं से बनता है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं होती। इसको दूसरे शब्दों में कि अकृतवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है कर्मवाच्य के वाच्य कहे जाते हैं। और जहां पर मुख्य रूप से चलाने वाला कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा जाता है, दूसरा मुझसे पत्र नहीं पढ़ा जाता, यहाँ हिंदी बोली जाती है, बच्चों से नदी पार न की जा सकी। तो यहाँ पर क्या है, कर्म को प्रधानता दी गई है कि कौन सा कर्म, और कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता या महत्व दिया जाता है। फिर सभी अकृतवाच्य हैं जिनमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अतः वे सभी वाक्य कर्मवाच्य कहलाए जाते हैं। कि जिनमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है वे सभी वाक्य कर्मवाच्य कहलाए जाते हैं या उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं।
वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्म के बाद अथवा द्वारा, के द्वारा या से का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कि प्रेमचंद द्वारा उपन्यास हलखा गया, यह क्या हो गया? कर्ता के द्वारा। यहाँ कर्ता कौन हो गए? ये प्रेमचंद हो गए कर्ता। फिर नेता के द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया, ये भी हो गया कर्ता के द्वारा, नेताजी कर्ता हो गए। मोहन से यह मेज टूट गई, ये भी कर्ता से। आपका काम कर दिया गया, यहाँ पर क्या है? कर्ता का लोप हो गया। वहां पे क्या बोला कि आपका काम कर दिया गया। फिर दीपावली अक्टूबर से नवंबर में मनाई जाती है। यह उल्लेखनीय है कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ द्वारा, के द्वारा, से आदि जोड़ा जाता, इस कारण कर्ता को गौण माना जाता है। और कर्मवाच्य रचना में असमर्थता सूचक वाक्य भी आते हैं, किंतु इनके द्वारा के स्थान पर प्रायः से परसर्ग का प्रयोग होता है। और कर्मवाच्य में सभी सकर्मक क्रिया होती है। ये वाक्य केवल निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं और कर्ता की असमर्थता को सूचित करते हैं, जैसे मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, या मुकेश ने खाना, मुकेश से खाना नहीं खाया जाता। हिंदी में क्रिया एक ऐसा रूप है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है और वह रूप सकर्मक होता है, और इसका अकर्मक रूप जिसमें जिसको व्युत्पन्न कहते हैं, जैसे दरवाजा खुल गया। फिर गिलास टूट गया, इसमें क्रिया हो गई तोड़ना या टूटना। भोजन पक गया, पकाना या पकना, ये। अब हम इसी में देखते हैं आगे कर्मवाच्य के प्रयोग, हम कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो कई बार क्रिया या कर्ता अज्ञात होता है। कर्मवाच्य में कई बार क्रिया या कर्ता अज्ञात होता है, जैसे गाना गाया गया। गाना गाया गया इस उदाहरण में क्या है? गाना तो गाया गया कर्ता के द्वारा और क्रिया भी हुई गाने की। इसमें क्या है कि कर्ता अज्ञात हो गया। फिर जब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ही ना हो, जैसे साहित्य संगोष्ठी में कविता पढ़ी जाएगी, तो इसमें भी क्या है? कर्ता का लोप हो गया, कर्ता अज्ञात है। पढ़ी जाएगी कर्ता के द्वारा ही, परंतु कविता या गोष्ठी में कविता पढ़ी जाएगी। फिर कानूनी भाषा में, जैसे कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड किया जाए। गर्व अधिकार प्रकट करने के लिए, जैसे मामलों की पूरी जांच की जाएगी। कर्मवाच्य वाले वाक्य में एक से अधिक पद होंगे। जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाए और वाक्य का उद्देश्य कर्म होगा, परंतु मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। कर्ता गौण होता है। क्या होता है कर्मवाच्य वाले वाक्य में? एक से अधिक पद होंगे, होते हैं। और जैसे कि क्या है, मामले की पूरी जांच की जाएगी, कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाएगा। जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा और वाक्य का उद्देश्य कर्म होगा, मुख्य क्रिया सकर्मक, और इसका जो कर्ता है वह गौण होगा। तो बच्चों, हमारा आज ये यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे।